हेलो हाय, फेसबुक पे या नहीं? अच्छा, नमस्ते। मैं आज अपनी बातें कुछ शेयर करने आई हूँ। मैं प्रायः देखती हूँ कि किसी की अगर मौत हो जाती है ना, तो उसके मरने के बाद लोग बहुत सारी बातें करने लगते हैं कि अरे पहले बताया नहीं, बताते तो कुछ हल निकलता, कुछ तो करते, कुछ तो होता। ये सब कहने की बात है। आज आज वो पत्रकार आत्महत्या कर ली है, उस पे आप लोग सवाल कर रहे हो कि पहले कुछ हुआ होगा, बताई क्यों नहीं, बताती तो कोई तो कुछ तो मतलब सॉल्व होता उसका प्रॉब्लम। ये सब कहने की बात है। कोई किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। आप कभी भी आजमा के देखो, आप खुद आजमा के देखो। ये पहली बात तो ये है कि ऐसे कदम लोग तब उठाते हैं जब हर तरह से थक जाते हैं, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और कोई वक्त पे आके खड़ा नहीं होता, मदद नहीं करता है। आप कभी किसी को आजमा के देखो, आप बोल के देखो कि हमारी ये प्रॉब्लम है और ये वजह है, इस वजह से हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, आप मेरे दोस्त हो तो इसकी रीजन मैं आपको बता के जा रही हूँ ताकि आप दुनिया को बता सको कि उसका रीजन ये है। देखिए आपको जवाब क्या मिलता है। आपको पता है, मैंने बहुत करीब से देखा है और समझा है इन बातों को, कि वो लोग ना जिसको आप अपना खास दोस्त समझ के बात शेयर करेंगे कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की वजह से हम ये करने जा रहे हैं, वो उसको सीधा ना लेके उल्टा लेते हैं। वो ये कहते हैं कि आप इसमें मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे क्यों सुना रहे हो, मुझे क्यों घसीट रहे हो, मैं फंस जाऊंगा अगर आपको कुछ हुआ तो ये सब बातें करने लगते हैं। वो एक वक्त के लिए ये नहीं सोचते हैं कि उसके मरने के बाद वही लोग दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते हैं कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे पता चलता तो मैं ये करता, मैं वो करता। जिसको आप बहुत खास दोस्त समझेंगे ना, वही दोस्त आपके ऊपर उंगली उठा देते हैं कि आपकी वजह से हम फंस जाएंगे, आप ऐसी बात हमसे ना करो। दूसरी बात, आप खुद को ऐसा बनाओ कि आपके ऊपर हर कोई विश्वास करे, लेकिन आप कभी किसी के ऊपर विश्वास मत करना। ये सीख मैंने पाई है इस दुनिया में। तीसरी बात है कि आप अपनी तकलीफें, अपना प्रॉब्लम्स किसी से शेयर मत करो, किसी को अपना दोस्त मत समझो। कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब झूठे हैं, सब मक्कार हैं, सब कहने की बात है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। आपकी बातों को मजाक बनाया जाएगा, आपकी हंसी उड़ाई जाएगी, यही चीज होती है दुनिया में। मैंने ये सब बातें बहुत करीब से देखी है, बहुत सारा अनुभव पाई हूँ, इसीलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं लाइव आती नहीं, जब कुछ ऐसा अर्जेंट रहता है तभी मैं आती हूँ। जो इंसान जिंदा रहता है ना, आप जब किसी से फोन पे बात करेंगे, कोई अपनी बात शेयर करेंगे ना, आप उसको रिकॉर्ड करके एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फॉरवर्ड किया जाता है। ये सुनो, ये बोल रही थी, उसका उस तरीके से मजाक बनाया जाता है। आप किसी को अपने दिल की बात शेयर करो, वो उस जगह से 10 जगह पहुंचाता है। ये देखो, ये बातें बोल रही थी, मतलब आप मरते वक्त भी अपने दिल की बात अगर किसी से शेयर करो तो उस वक्त भी इंसान आपको नीचे दिखाने से या आपकी बेइज्जती करने से बाज नहीं आते हैं। हर इंसान को अपनी फिक्र रहती है कि मेरा इज्जत, मेरा नाम खराब ना हो, भले किसी की जान जाती है चली जाए। आप अगर किसी को बोल दो इस वजह से मैं जा रही हूँ, ये वजह है,
तो बोलेगा ये छोटी सी वजह के लिए कोई जान दे देता है, उसकी मजबूरी, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके हालात से किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है कि उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी मजबूरी क्या है। बस आप अपने आप में ही जियो, ये दुनिया की रीत है। यहाँ ये भी है कि अगर कोई एक निवाला खिला देता है तो बोलता है कि बहुत बड़ा एहसान किया है, और उस एहसान के बदले में आपका क्या क्या जाता है और क्या क्या जाएगा उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। लोग पागल करार दे देते हैं लोगों को, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है ये सब चीज़ें। तो या यही मैं कहना चाहूँगी कि हर इंसान जो मरता है अपने खुद की वजह से मरता है, चाहे मैं रहूँ या दुनिया रहे, कोई भी अगर मरता है तो वो खुद की वजह से मरता है। क्यों क्यों? क्योंकि वो सामने वाले के ऊपर विश्वास करते हैं। तो कभी किसी के ऊपर विश्वास मत करो, किसी को अपना मत समझो। सामने वाला आपका फ़ायदा उठा रहा है, आपको अपना नहीं समझ रहा है, तो आप भी सिर्फ फ़ायदा उठाओ, विश्वास मत करो। विश्वास करोगे तो मारे जाओगे, खुद से खुद की मौत बुला लोगे। ये बातें मुझे शेयर करनी थी। और प्रायः मैं देखती हूँ फेसबुक पे किसी के मरने के बाद, अरे उसको क्या हुआ था, एक बार तो बोलती, एक बार तो शेयर करती, कुछ तो उसका हल निकलता। अरे हल निकलने से ज़्यादा तो उसका मजाक बनाया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उसका कैरेक्टर जो नहीं रहता है वो भी उसके बारे में बताया जाता है, और सीधेपन का तो बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाया जाता है। संभल जाओ, सुधर जाओ, सीधेपन से सिर्फ आपको घाटा ही होता है, नफा नहीं। आप समझते हो मैं सीधी हूँ, मैं जैसे किसी के साथ धोखा नहीं करती तो मेरे साथ भी कोई धोखा नहीं करेगा, नहीं ये गलत है, ये रॉन्ग है। आप सीधे हो, आप अपने सीधेपन को समझो कि आप सीधे हो, लेकिन दुनिया उसका फ़ायदा उठाएगी, उसको अनेकों रूप दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आप बचो। और किसी के मरने के बाद फेसबुक पे ये मत डाला करो, उसने बताया नहीं उसकी क्या प्रॉब्लम थी, क्या परेशानी थी, कोई भी मत, ये सब चीज़ें मत करो, क्योंकि आप जो डालते हो ना आपको एहसास नहीं है, आपको पता नहीं है। मुझे पता है, मुझे एहसास है, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से देखे हैं ये सब चीज़ें। आज को अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरे मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। अगर कोई हालात पैदा हुआ है तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, दूसरा कोई नहीं है उसमें। पुलिस, मीडिया, समाज, किसी के ऊपर उंगली उठाए, ये दोस्त था उसने कुछ कहा होगा, या वो भाई था उसने कुछ कहा होगा, ना ना। अगर किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ करा, वो हालात हमने खुद पैदा किए, हमने वो मौका दिया, वो हालात पैदा हुआ, तो हम दूसरे के ऊपर क्यों उंगली उठाएं? उसकी जिम्मेदार हम खुद हैं, तो हम किसी और को क्यों दोषी ठहराएं? बस यही कहना था, मेरे मन में, दिल दिमाग में ये बात थी, मैं शेयर करना चाहती थी। तो इसलिए मैं लाइव आई थी। थैंक यू कि आप लोग आए, अजय सिन्हा आप आए, हरिओम शंकर जी, आप सबका शुक्रिया कि आप सबने मुझे सुना। अब मैं कहाँ तक सही हूँ, कहाँ तक गलत हूँ, ये तो आप लोग निर्णय करोगे, बट हाँ मैंने जो कुछ भी कहा है ना सोच समझ के बोली हूँ, बहुत करीब से इन सब बातों से गुजरी हूँ, देखी हूँ, इसलिए मैं बोली, नहीं तो नहीं बोलती। बाकी बाय बाय, सब लोग खुश रहिए, गुड नाइट।
फॉर मोर सच अपडेट्स यू प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन.